प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ है। ये वचन जो परमेश्वर हमें सिखाना है, पिता परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा सिखाया जाए और इस वचन के द्वारा हमारा जो समझ है तेरे वचन के बारे में और तेरे बारे में वो खुलता जाए। हम परमेश्वर तुझे समझने लगे और तू चाहता है उस समझ के अंदर हम तेरी सेवा कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम आज देख रहे हैं बोकेर ये शब्द के बारे में। पिछली बार आपने देखा एरेव, इस शब्द को देखा आपने, ठीक है। तो एरेव का मतलब क्या है? सन सेट होता है, वहाँ से सनराइज तक जो सन सेट हो रहा है उस समय को एरेव कहा गया, या सनराइज है उसको एरेव कहा गया है, ठीक है। अब उसके अंदर आप देख सकते हैं जब सनसेट है तो सूरज ढलने का समय, और सनराइज है तो सूरज उगने का समय। लेकिन अगर देखा जाएगा तो सनसेट या सनराइज दोनों की जो रोशनी होती है वो बहुत नियर अबाउट ज़ीरो लेवल में चली गई होती है, ओके। तो बहुत कम रोशनी होती है, इसकी वजह से उस समय को एरेव ये शब्द कहा गया है। वो रोशनी घटने का समय रहता है, उस रोशनी घटने की वजह से हमारा समझ जो है वो काम नहीं कर पाता है। दिन के उजियाले का जो ऊर्जा होता है, सूरज का जो ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा के अनुसार हमारे एक्टिविटीज़, हमारे फैसले, हमारा उत्साह और हमारा एनर्जेटिक रहना नहीं बन पाता है, ओके। तो ये एक सिस्टम है परमेश्वर ने बनाया हुआ यूनिवर्स के अंदर, ये एक सिस्टम है, ओके। जब सूरज ढल जाता है एनर्जी डाउन होता है, जब सूरज रहता है तो एनर्जी अप होती है, ज़्यादा होती है, ओके। तो एनर्जी डाउन लेवल जो है उसमें समझ घट जाती है, क्योंकि सूरज हमारे समझ को बढ़ाता है, ओके। एनर्जी देता है हमारे अंदर पड़े हुए हर एक बातों का ध्यान हम कांटेक्ट में ला सकते हैं, ओके। लेकिन एनर्जी डाउन होने से हमारे अंदर कुछ भी है अच्छी चीज़ें तो भी हमारे कांटेक्ट, समझ के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, एनर्जी की वजह से वो कांटेक्ट में आता है, ओके। तो अब हम देखेंगे बोकेर के बारे में, ठीक है। एरेव को हम समझ गए पिछले टीचिंग के अंदर, अब हम देखेंगे बोकेर इस शब्द के बारे में। अगर हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो हम यहाँ पर एक शब्द को दोबारा देख रहे हैं जिसे हमने पिछली बार पढ़ा था, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब अस्त व्यस्त, ओके। तो ये भी एक नियम है यूनिवर्स के अंदर, लेकिन ये नियम कभी लागू हो जाता है जब एनर्जी डाउन रहता है, तब एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी मतलब अस्त व्यस्त, और अगर उसको सही ढंग से रचना करना है तो उसको एनर्जी होने से वो सही ढंग से रचना में कर सकता है, ओके। तो एंट्रोपी जो है वो एरेव के समय में रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, बिखरा हुआ रहता है, एनर्जी डाउन है, इसकी वजह से एंट्रोपी की व्यवस्था वहाँ पर चल रही होती है, ठीक है। लेकिन जब बोकेर शुरू हो जाता है तो बोकेर के अंदर आप समझ को प्राप्त करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। और आप फर्क करना समझने लगते हैं, ओके। आपकी दृष्टि में दिखाई देता है और आप पहचान सकते हैं, ओके। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सही अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, ओके। तो जो बिखरापन था, अस्त व्यस्त था, बिगड़ा हुआ था, वो घट जाता है, ठीक है। जो आपको गेस करना पड़ता था, ओके, आपको ये है या वो है ऐसा अंदाज़ा गड़बड़ी में लगाना पड़ता था, लेकिन वो अब कम हो जाता है जब बोकेर ये अवस्था आती है,
ओके तो यहाँ पे हम पहचान प्राप्त करने शुरू करते हैं, ये कुवत हमारी जलने लगती है, ये ऊर्जा हमारा ये कुवत को बढ़ाने लगता है कि हम पहचान सकते हैं आकार को, आकृति को, हम सही रूप उसका पहचान सकते हैं। ओके तो बोकेर ये एक रोशनी को खोलने वाला नाम है, बोकेर। ओके रोशनी खुलता है उसे बोकेर कहा जाता है। ओके या कोई कोई बात हमारी समझ में आ जाता है तो वहाँ रोशनी खुल गई ये बोलते हैं, तो वहाँ पे बोकेर ये शब्द को इस्तेमाल कर किया जा सकता है। हम देखेंगे इस बोकेर का शब्द जो इब्रानी में बोकेर है, ये शब्द हम उत्पत्ति के 19 अध्याय के 27 वचन में पढ़ सकते हैं। ओके भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। तो यहाँ पर ये भोर जो है ये बोकेर है। ओके भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। अभी आप ये थंबनेल में देखिए, एंट्रोपी प्रोफाइल ऑफ द यूनिवर्स, मतलब बिगड़ी हुई अवस्था को परमेश्वर ने 6 दिनों में व्यवस्थित बना दिया। ओके जो बिगड़ी हुई अवस्था रहती है उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती है, ओके ऊर्जा की ज़रूरत नहीं रहती है, ऊर्जा का एब्सेंट रहना मतलब एंट्रोपी, ओके अस्त व्यस्त। तो यहाँ पे परमेश्वर ने अस्त व्यस्त था, हम देखते हैं उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 वचन में अस्त व्यस्त था, एनर्जी चली गई थी, परमेश्वर एब्सेंट था। परमेश्वर है तो एनर्जी है, परमेश्वर नहीं है तो एनर्जी नहीं है। ओके परमेश्वर है तो ऊर्जा है, परमेश्वर नहीं है तो ऊर्जा नहीं है। ओके इसके लिए आप देखते हैं कि कोई भी आत्मा इर्द गिर्द में है तो आपको महसूस होता है, क्योंकि हर एक आत्मा ऊर्जा है। ओके वो ऊर्जा है, इवन हम अगर मर जाते हैं तो हमारी बॉडी किसी को कुछ भी अफेक्ट नहीं करती है। ओके लेकिन हम जीवित हैं और अगर हम कहीं पर हैं तो हमारा एहसास किसी को तो टच करता है। ओके तो एनर्जी कम्युनिकेशन कराता है, लेकिन डेड बॉडी कम्युनिकेशन नहीं करा पाता है, क्योंकि डेड बॉडी के अंदर, मरे हुए शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहता है। ओके तो यूनिवर्स के अंदर जो एनर्जी है वही हम समझ पाते हैं, जो एनर्जी नहीं है वहाँ हम निर्बुद्धि रहते हैं, वहाँ सेंसलेस हो जाते हैं, नॉनसेंस हो जाते हैं, हम वहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से कंफ्यूशन बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है और क्या नहीं इसकी समझ आने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो एब्सेंट रहता है। तो हमारे पास जितना है उसके आधार से हम कुछ तो समझने की कोशिश करते हैं और वो गड़बड़ी में फंस जाते हैं, हम सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं, या फिर हम आधे अधूरे समझते हैं, या हम उसके बारे में बिल्कुल अज्ञान रहते हैं। ओके तो इसके लिए हमको असंभव ये शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि हम कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हम नहीं समझते हैं किस प्रकार से उसका काम किया जाए, किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाए, किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाए। ओके तो इसकी वजह से अज्ञानता हमारे अंदर रहता है, तो वो अज्ञानता का कारण इतना ही है उसको लगने वाला ऊर्जा हम तक पहुंचा नहीं है। ओके अगर उसका स्वर्गदूत हमारे साथ रहेगा तो वो एनर्जी रहता है जिसके कारण हम असंभव को संभव करना शुरू कर सकते हैं। ओके वो परमेश्वर के कंट्रोल में है, इसके लिए वचन ऐसा बताता है जो पावर है वो परमेश्वर का है, सारे पावर्स यानी एनर्जी ऊर्जा देने वाला, एक्टिवेट करने वाला, इंसान को, सृष्टि को, चीजों को, कुछ भी जो दिखाई नहीं देता है उन एरिया ऑफ लाइफ में भी जो हमारे समझ और सोच से परे है, ऐसे एरिया ऑफ लाइफ को भी हम अगर देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो
टाइप का ऊर्जा परमेश्वर ही दे सकता है, ओके, और कोई नहीं दे सकता है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, लाइफ इज स्पिरिचुअल, ओके। जब हमारे पास जो सोच आता है, उत्पत्ति के 6 अध्याय में हमने पढ़ा है कि इमेजिनेशन जो है, निरंतर सोचे जो है, उसी के कारण मनुष्य या तो करप्ट हो सकता है या अच्छा हो सकता है, ओके। अगर उसके पास निरंतर, ओके, निरंतर बुरी सोचे आती रहेगी, तो वो निरंतर बुरी सोचे उसकी कल्पनाओं में आने की वजह से वो अपने चाल चलन में बिगड़ सकता है, ओके। तो यहाँ पे ये सोच हमारे पास एक्टिवेट करने वाले स्पिरिट्स रहते हैं, ओके। ये सोच हमारे तक पहुँचाने वाले, हमारे अंदर ऊर्जा को देने वाले कि ये सोचे बढ़ जाए, इस प्रकार के स्पिरिट्स हमारे आसपास रहते हैं, जिसके कारण वो सोच ऊर्जा पकड़ लेती है और हमारी समझ में आने लगती है, ओके। दुष्टता और भलाइयाँ, ओके, ये दोनों को फर्क करना है तो दुष्टता मनुष्य नहीं करता है, दुष्ट आत्माएं करती हैं, ओके। लेकिन अगर निगेटिविटी बोलेंगे, निगेटिविटी का अर्थ है डिप्रेशन हो जाना, ओके, या कोई भी प्रकार से हमारी एनर्जी, ऊर्जा डाउन होने की वजह से हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, गड़बड़ी में फंसे हुए रहते हैं, ये सारी चीज़ें निगेटिविटी जो है, ओके, हम बोलते हैं नहीं मुझे तो विश्वास नहीं है, नहीं मैं तो ये कर नहीं पाऊँगा, नहीं ये तो हो नहीं सकता है, नहीं मैं तो ऐसे ही बीमार रहने वाला हूँ, नहीं मुझसे तो नहीं बनेगा ये वाला जो एरिया है, ये भी स्पिरिट्स है, ओके, जो नहीं बन सकता है ये वाले एरिया को वो एनर्जी दे रही है, डाउन करके आपको उस एनर्जी को बढ़ा रही है जहाँ से आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ओके। तो एनर्जी आपको पॉजिटिव रख सकती है, एनर्जी आपको नेगेटिव भी बना सकती है, ओके, लेकिन दुष्टता करना और दुष्टता नहीं करना, ये वाली चीज़ें जो है ये दुष्ट आत्माओं से होती है, ओके। परमेश्वर के पास पनिश करने वाली आत्मा है, शैतान के पास दुष्टता करने वाली आत्मा है, ओके। परमेश्वर जब कुछ करता है, ओके, तो वो पनिशमेंट के हिसाब से कड़ा ऐसा कुछ, कड़क ऐसा कुछ हमारे साथ व्यवहार कर सकता है, लेकिन शैतान जब करता है तो वो कड़क व्यवहार हमारे साथ दुश्मनी निभाने के लिए, दुष्टता करने के लिए करता है, हमको नाखुश करने के लिए करता है, हमको परमेश्वर के सामने लज्जित करने के लिए करता है। दुष्ट आत्मा भी दुष्टता ही करने के लिए आते हैं, और परमेश्वर पनिशमेंट करने के लिए जो स्पिरिट्स भेजता है वो भी कड़क व्यवहार करने वाले स्पिरिट्स रहते हैं, लेकिन वो पनिशमेंट रहता है, पनिशमेंट और दुष्टता देखने में दोनों क्रूरता ही लगेगा, वो दोनों समान दिखेंगे, लेकिन परमेश्वर पनिशमेंट का कारण रखता है कि मैंने इसको क्यों पनिश करना है, ओके। लेकिन दुष्ट आत्माएं जो है वो सिर्फ मनुष्य को, परमेश्वर के सामने मनुष्य की सृष्टि को लज्जित करने के लिए करता है, ओके, कमजोर करने के लिए करता है, परमेश्वर के अच्छे भले कामों में से हमको निकालने के लिए करता है, ओके। तो अगर कोई जादू टोना करता है, कोई दुष्ट कार्य करता है, श्राप देता है, किसी प्रकार से आपको सताता है, या कोई टॉर्मेंट करता है, या आपको बंधन में फंसा के रखता है, आपके मार्ग बिगड़ाने के पीछे लगा रहता है, आपको सुख हाल परमेश्वर के रास्ते में चलने नहीं देता है, तो यहाँ पे दुष्ट आत्मा जिम्मेदार है, ओके। ये इंसान को एनर्जी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उसकी संगति में दुष्ट आत्माएं हैं, हालेलुया, उसके कर्मों से आप पहचान सकते हैं इसके साथ कौन सी आत्माएं काम कर रही है, ओके। अगर कोई डिप्रेशन की बातें कर रहा है, असंभव की बातें कर रहा है, अगर कोई फेलियर्स के ऊपर विश्वास कर रहा है, अगर दुखी है, कष्ट में है, अगर आंसू बहा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये निगेटिविटी के स्पिरिट्स है, ओके। आपको सिर्फ निगेटिविटी के स्पिरिट्स को
पॉजिटिविटी के स्पिरिट से बदलना पड़ता है। लेकिन जब दुष्ट करता है कुछ, तो दुष्ट आत्माएं जब करती है, तो आपको स्पिरिचुअल फाइट करने की जरूरत पड़ती है। हालेलुया, ये स्पिरिचुअल फाइट रहती है, इस दुष्ट आत्माओं को निकालना पड़ता है। जो इंसान आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है, वो दुष्ट आत्मा को सुनते हुए कर रहा है। उसकी एनर्जी दुष्ट आत्माओं से आती है। वो दुष्ट आत्माएं एनर्जी तभी देती है जब इंसान उस दुष्ट आत्मा की सेवा करता है। हालेलुया, दुष्ट आत्मा किसी भी मनुष्य के पास ऑटोमेटिक नहीं आती है। दुष्ट आत्मा का सेवा करना पड़ता है, उसके रिचुअल्स करने पड़ते हैं, उसको संभालना पड़ता है, और फिर बाद में वो अपने काम करने की आत्माएं आपके साथ देता है। हालेलुया, और वो आत्माओं को इस्तेमाल करके जादू टोनाए किए जाते हैं। वो आत्माओं को इस्तेमाल करके कोई भी गलत काम, जो लोगों के जीवन को पवित्रता से, शुद्धता से भटकाया जाता है, वो दुष्ट आत्माओं को हेल्प के लिए लिया जाता है, और फिर ये काम करने के लिए वो लोगों के पास ये आत्माओं को भेज देते हैं, और वो आत्माएं उसके ऊपर वो काम करती है। वो आत्माएं क्या करती है, निगेटिविटी को बना देती है, ओके, डिप्रेशन को बना देती है, बीमारियों को बना देती है, फेलियर्स को बना देती है, और अविश्वास को लाती है, ओके, ये सारी चीज़ें वो दुष्ट आत्माओं को दिया गया असाइनमेंट्स रहता है। लेकिन ये दुष्ट आत्माओं को भेजने का काम जो कर रहा है, वो दुष्ट आत्मा का सेवा करने की वजह से वो काम कर पा रहा है। हालेलुया, तो हम विक्टिम बन सकते हैं, हमारे पास कोई दुष्ट आत्माएं भेज सकता है, ओके, लेकिन हम रिचुअल्स नहीं कर रहे कि हम दूसरों को उस प्रकार के गड्ढे में डालें। अगर कोई इस प्रकार का दूसरों को दूसरे दुष्टता के गड्ढे में डाल रहा है, तो वो रिचुअल्स कर रहा है, वो दुष्ट आत्माओं की सेवा कर रहा है, ये 100% सिद्ध हो जाता है, ओके, क्योंकि परमेश्वर आबेल और काइन को देखा, आबेल का सैक्रिफाइस परमेश्वर ने स्वीकारा, काइन का नहीं स्वीकारा। आबेल को पता भी नहीं था, ओके, आबेल को पता भी नहीं था किस प्रकार से परमेश्वर को पसंद है, लेकिन उसके पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी था, स्पिरिट्स का गैंग था आबेल के पास, वो गैंग उसके कर्तृत्व में दिखाई दे रहे थे, उसके कर्मों में दिखाई दे रहे थे, और परमेश्वर ने उसके कर्मों का सैक्रिफाइस लिया, ओके, तो परमेश्वर ने क्या सैक्रिफाइस लिया, उसके कर्मों का, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो ही सैक्रिफाइस आबेल ने लाया था, ओके, लेकिन काइन के साथ अलग स्पिरिट्स थे, वो वेजिटेशंस में था, फार्मिंग में था, कल्टीवेशन में था, उसमें सब था, जमीन भूमि की काम कर रहा था, और वहां का सैक्रिफाइस परमेश्वर को नहीं चाहिए था। समझ में आया? अब ये दो अगर सामने सामने रख के देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो आबेल का सैक्रिफाइस है वो अभी का टाइमिंग को लाने वाला सैक्रिफाइस था, लेकिन जो काइन का सैक्रिफाइस है वो आदम और हव्वा ने फल नहीं खाया था, उसके पहले का वो सैक्रिफाइस था, क्योंकि आदम और हव्वा को परमेश्वर ने मांस और लहू खाने का इजाज़त नहीं दिया था। वहाँ पर फल फूल पौधे ये सब खाने के लिए उसको रखा हुआ था, कोई मांस पशु काट के उसके खून बहाकर कुछ नहीं किया जा रहा था। वैसी अवस्था का एक सैक्रिफाइस था, वहाँ पे सब कुछ निर्मल शुद्ध बिना लहू का दिया जा रहा था, वहाँ का स्पिरिट्स काइन के साथ था, ओके, लेकिन आबेल के साथ जो सैक्रिफाइस था वो पाप के बाद वाला सैक्रिफाइस, यानी परमेश्वर को अब जो काम करना है, लहू बहाकर उसको, यीशु मसीह के लहू को बहाकर उसको जो बलिदान उठाना था, वो काम को आबेल ने स्पिरिट्स में से लेकर किया। समझ में आया? तो इसके लिए हम जो दिखाई देते हैं, ये स्पिरिट्स का प्रोडक्ट है हम, इसके लिए हम बोलते हैं लाइफ इज स्पिरिचुअल, ओके, अब समझ में आया आपको? आपको अगर दिखाई देता है कोई चीज आपकी हो नहीं रही है, आपके पास इतना समझ आना चाहिए कि ये हो नहीं रहा है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये एरिया ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं स्पिरिट के
के कंट्रोल में है, वो स्पिरिट के कंट्रोल को मैनिपुलेट करना हमको आना चाहिए। वो हो जाएगा, इस प्रकार का मैनिपुलेशन हमको करना आना चाहिए। ओके, हम उस मैनिपुलेशन को इसीलिए करते हैं, अगर हमको बाइबल रीडिंग करना है और हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। जो स्पिरिट हमको बाइबल रीडिंग नहीं करने के लिए हमारे पास भेजा गया है वो दुष्टता की ओर से है। ओके, वो रिचुअल किया हुआ इंसान ने उस स्पिरिट को हमारे पास भेजा है। ओके, अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो दुष्टता का सेवा करने वाला जो इंसान है उसने वो दुष्ट आत्मा की सेवा करके दुष्ट आत्मा को भेजा है कि हम प्रार्थना नहीं कर पाए, हम कलसिया नहीं जा पाए, हमारे साथ रगड़े झगड़े बने रहे, हमारे साथ विवाद बने रहे, हमारी लाइफ संघर्ष में रहे। ये दुष्ट आत्मा का सेवा करने वाला इंसान हमारे पास ऐसे दुष्ट आत्माओं को भेजता है। अब हमको ये दुष्ट आत्मा को निकाल के वो स्पिरिट को लाना है जो बाइबल पढ़ने देता है, प्रार्थना करने देता है, तो हम परमेश्वर के पास से वो स्पिरिट्स लेते हैं। हालेलुया, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वो स्पिरिट्स को हम लेते हैं जो हमको चाहिए। अगर हम बोलते हैं परमेश्वर मुझे एग्जाम्स में पास होना है, परमेश्वर मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, ये भीख मांगने वाली प्रार्थना नहीं रहती है। ये प्रार्थना होती है, हे खुदा तेरे पास पास करने वाला आत्माएं जो है उसको भेज मेरे पास, ताकि वो आत्माएं मेरे साथ होने की वजह से मैं इस एरिया में पास हो सकता हूँ। इसके लिए हम बोलते हैं लाइफ इज स्पिरिचुअल। समझ में आया? हमको स्पिरिट्स के साथ चलना आना चाहिए। ओके, अगर प्रभु यीशु मसीह का अगर देखेंगे, वो कुछ भी काम खुद नहीं करता था, वो खुद बोलता है मैं पिता से बात करके पिता जो करता है देखता हूँ वही मैं यहाँ पर करता हूँ। यानी पिता के पास स्पिरिट्स कौन से हैं, वो स्पिरिट्स को वो पृथ्वी के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए पिता से लेकर आता है। हालेलुया। ओके, तो अगर हम निर्बुद्धि है तो हमारे पास बुद्धि लाने वाला स्पिरिट्स हमको पिता से मांग के लेना है। इसके लिए परमेश्वर ने हमको बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुम क्या ढूंढोगे? अगर आपको समझो कुछ चीज़ें चाहिए जो अभी आप जॉब ढूंढ रहे, आपको नहीं मिल रहा, आपका मनपसंद जॉब आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको ढूंढना पड़ रहा है, आपके हाथ नहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या ये है क्या क्वालिटी नहीं है आपके पास, या आप आपकी हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है? ऐसा नहीं है। आपका जॉब कोई और लेके बैठ गया है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन आपको वो जॉब नहीं है। ओके, उस कंपनी के अंदर दूसरे लोग बैठ के सैलरी ले रहे, आनंद उठा रहे, बेनिफिट्स उठा रहे, लेकिन वहां पे आपके लिए जगह नहीं है। क्या इसका मतलब आपकी कुवत नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, आपके पास वो स्पिरिट नहीं है जो आपको उस जगह पे प्रमोट कर सकते हैं। हालेलुया, तो परमेश्वर ने बोला तुम मेरे से मांगो। ओके, अगर एक बाप को बेटा अगर मछली मांगे तो उसको वो सांप नहीं देता है। ओके, अगर अंडे मांगे तो वो उसको वो बिच्छू नहीं देता है। हालेलुया, अगर वो रोटी मांगे तो उसको वो पत्थर नहीं देता है। तो इसका मतलब परमेश्वर को राइट स्पिरिट मांगो आप। ओके, राइट एक्टिविटी राइट स्पिरिट के साथ होती है। हालेलुया, राइट अंडरस्टैंडिंग राइट स्पिरिट आने की वजह से होती है। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ राइट स्पिरिचुअल सिस्टम के अंदर परमेश्वर से राइट स्पिरिट्स को मांगो। आप किस में ग्रोथ करना है वो स्पिरिट्स को परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हालेलुया, और इसके लिए उसने बोला मैं मेशर के साथ नहीं देता हूँ। ओके, एबंडेंस है मेरे पास, एबंडेंस लाइफ है मेरे पास, यानी तुम मांगो मैं उतने स्पिरिट्स तुमको दूंगा। ओके, अगर तुम बोलोगे मुझे 40 डेज का फास्टिंग करना है, स्ट्रेंथ देने वाले स्पिरिट मुझे दे, वो 40 डेज के स्ट्रेंथ देने वाले स्पिरिट आपको देंगे। 40 डेज के बाद यीशु मसीह को भी भूख लगा था, आपको भी भूख लगेगा, क्योंकि वो स्पिरिट्स अपने काम करके चले गए।
हालेलुया। तो आपको रेगुलर कांटेक्ट में रहना है परमेश्वर के। रेगुलर कांटेक्ट में रहने की वजह से आपका स्पिरिट्स का लेन देन परमेश्वर के साथ चलता रहना है, तभी आप एक्टिव रहोगे आत्मिक जीवन में। नहीं तो जो दुष्ट है, जो जो दुष्ट आत्माओं का सेवा करता है, रिचुअल्स करता है, उसकी आत्मा से आप ग्रस्त रहोगे और आपका लाइफ बिगड़ा हुआ अस्त व्यस्त रहेगा, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा और आप बोलोगे पता नहीं मेरे साथ, मैं शायद से ऐसे ही रहने वाला हूँ। ओके, तो इस प्रकार से आपको अपने लाइफ को चेंज करने का रास्ता, एनर्जी रहना, आपका लाइफ चेंज करना है। ओके, और परमेश्वर के द्वारा उस एनर्जी को प्राप्त करने का परमेश्वर ने हमको बोला है। इसके लिए हमको रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके लिए हमको दुष्ट लोग क्या करते हैं उसको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, हमको ये देखने की जरूरत नहीं है दुष्ट लोग रिचुअल्स कैसे करते हैं, दुष्ट लोग बलिदाने क्या क्या देते हैं, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको उससे कुछ चाहिए ही नहीं। ओके, हमारे पास परमेश्वर है, हम परमेश्वर से मांग सकते हैं और परमेश्वर हमको वो स्पिरिट्स देता है, जो भी हम मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। आमेन, हालेलुया। तो अब हम तो ये सारी चीज़ें, अब मेरे पास प्रकाशन था इसके लिए मैंने उस बात को आपके तक लाया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति को, तो बोकेर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद आप देखना एक थंबनेल के ऊपर आप देखोगे तो एक आपको डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, उस डिज़ाइन में आप देखेंगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलती है, एंट्रोपी प्रोफाइल ऑफ द यूनिवर्स। ओके, यानी बिगड़ा हुआ अवस्था था, उत्पत्ति के पहले अध्याय के 2 वचन में बिगड़ा हुआ अवस्था था। ओके, और परमेश्वर ने उसको स्थिर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर उसने क्या बोला, फिर सांझ हुई, फिर तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, तो ये बार बार उसने बोला। ओके, लेकिन आप देखते हैं 7वें दिन को उसने नहीं बोला तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, क्योंकि एनर्जी काम करने के लिए लगता है। ओके, काम करने के लिए सोचों की जरूरत को उकसाने वाली एनर्जी चाहिए। ओके, स्पिरिट्स चाहिए। तो सांझ हुई मतलब अब स्पिरिट्स नहीं है, लेकिन भोर हुआ मतलब वो स्पिरिट्स एनर्जी रिलीज करने लगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से हर एक दिन को उसने स्पिरिट्स को गैदर किया, सांझ हुई, फिर स्पिरिट्स को एक्टिवेट कर दिया, स्पिरिट्स को गैदर किया, स्पिरिट्स को एक्टिवेट किया, सांझ हुई भोर हुआ, सांझ हुई भोर हुआ। लेकिन 7वें दिन में उसको स्पिरिट्स नहीं चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कुछ भी काम ही नहीं करना था। तो क्या सांझ हुई नहीं थी, क्या भोर हुआ नहीं था? वहां पर तो आप अपनी मर्जी है, आपको जो समझना है। ओके, क्योंकि एनर्जी चाहिए रहता है, एनर्जी को हम क्या करते हैं, प्रार्थना से पहले इकट्ठा कर लेते हैं और प्रार्थना के बाद उसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं। वही सांझ हुई फिर भोर हुआ, सांझ हुई फिर भोर हुआ, गैदर किया स्पिरिट्स को और एक्शन में डाल दिया, भोर हुआ, गैदर किया स्पिरिट्स को, एक्शन में डाल दिया, सांझ हुई भोर हुआ, सांझ हुई भोर हुआ, गैदर किया स्पिरिट्स को, एक्शन में डाल दिया स्पिरिट्स को, गैदर किया स्पिरिट्स को, स्पिरिट्स ने एनर्जी रिलीज किया, एक्टिविटीज में बदल गया। समझ में आया? तो एक्टिविटीज में बदलने के लिए आपने क्या किया? देखा, उजियाला हो, परमेश्वर ने बोला, उजियाला हो गया, यानी उसने गैदर किया स्पिरिट्स को और फिर बाद में वो स्पिरिट्स ने उस वर्ड को लेकर मैनिफेस्टेशन किया। ओके, तो हर चीज को आपको पहले प्रेयर से गैदर करना है, बाइबल रीडिंग से गैदर करना है, फास्टिंग से गैदर करना है। गैदर करके रखिए, वो सांझ का समय रहता है। गैदर करने के वक्त आपको काम नहीं करना है, गैदर करने के वक्त आप सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं परमेश्वर के साथ, आपके संबंध स्थापित करते हैं परमेश्वर के साथ, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं मैनिफेस्टेशन, भोर का समय देखते हैं। ओके, उसका रिजल्ट्स का समय देखते हैं, मैनिफेस्टेशन का समय देखते हैं। ओके, तो अब हम देख रहे हैं ना, ये आपके थंबनेल के ऊपर आप देखते हैं
यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है क्रिएशन वीक, यानी हम वीक कौन से मानते हैं, 6 दिन का सैटरडे तक एक वीक बन जाता है, और 7th डे जो है वो हम रेस्ट डे मानते हैं। ओके, तो आप देखो क्रिएशन वीक दिया है और नीचे डे लिखा है। ओके, डे में आप देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक का डे दिया गया है। अब हम देखेंगे इसको किस प्रकार से परमेश्वर ने स्पिरिट्स को गैदर किया। ओके, सांझ, और फिर उसको काम करने के लिए छोड़ दिया, भोर हुआ। ओके, हम कैसे उसको देखते हैं। अब आपने देखा एंट्रोपी प्रोफाइल ऑफ द यूनिवर्स में, आपने क्या देखा, जो अभी वीडियो था उसमें आप देख रहे कि जो पहला दिन था, पहला दिन जो अवस्थाएं थी, दिन और रात बनाया था, जो उजियाला को लाया था, उजियाले को काट के अंधेरे से अलग कर लिया गया था। ओके, वो सारा एक बहुत ही दूसरा वचन जो अस्त व्यस्त था, उसका बहुत बड़ा भाग उस पहले दिन में कर लिया गया था। वहां पे बोला गया था फिर सांझ, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस तरह से पहला दिन हो गया। ओके, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस तरह से पहला दिन हो गया, इसका मतलब इस प्रकार से एनर्जी का काम पहले कलेक्ट कर लिया गया और फिर बाद में उसको नए स्तर पर उठाया गया। ओके, यानी भोर किया गया, फिर एक नए स्तर पर 0 लेवल एनर्जी में से कलेक्शन किया गया, सांझ हुई और फिर नए लेवल में उसको उठाया गया। एक परमेश्वर का वचन आप देखते हैं कि पहला अध्याय जो था उसके 26 वचन में परमेश्वर ने क्या बोला, लेट अस मेक मैन। परमेश्वर ने ऐसा बोला, तो पहले अध्याय के 3रे वचन में भी आप क्या देखते हैं, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो। ओके, और उजियाला हो गया। तो आपका यहाँ पे ध्यान देने का समय ऐसा है कि परमेश्वर पहले अरेंजमेंट्स करता है, उसको सांझ कहता है, और उस अरेंजमेंट को वो एक्टिवेशन करने के लिए खोल देता है, तो उसे वो भोर कहता है। अब समझ में आया, जब कलेक्शन कर रहा था तो परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो उसने पहले कलेक्शन कर लिया और फिर जब वो कलेक्ट हो गया तो उसका भोर उसने देखा कि ये सारी चीजों का, फिर उसने उस एनर्जी का इस्तेमाल किया। हर दिन को पहला सांझ हुआ फिर भोर हुआ, हर दिन को पहले प्लांट्स को उसने कलेक्ट किया, वो सांझ है, और उसको उसने एक्टिवेशन में डाल दिया, वो भोर है। हालेलुया। और उसने देखा ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, इस प्रकार से वो देख कर खुश होता था, और स्वर्ग दूत भी उसके उस क्रिएशन को, सृष्टि को देख कर जय जयकार करते थे। ओके, तो सांझ होना मतलब प्लान करके रेडी करना और फिर उसको एक्टिवेशन करने के लिए जब शुरू हो जाता है तो उसको भोर कहा जाता है। ओके, क्योंकि बिना एनर्जी काम नहीं रहता है, विद एनर्जी काम रहता है, बिना ऊर्जा कुछ भी नहीं रहता है, मृत अवस्था रहता है, और ऊर्जा के साथ जीवित अवस्था रहता है। यानी अगर उजियाला हो कहा तो अभी वो मुर्दे अवस्थे में है ही नहीं, लेकिन जब वो प्रकट हो जाता है तो जीवित अवस्था में आ जाता है।
ओके, चंगाई हो कहा तो अभी तो वो बीमार अवस्था में है, लेकिन अगर चंगाई हो बोलने तक वो अगर मृत अवस्था में है और चंगाई हो गया तो वो अब जीवित अवस्था में आ गया। ओके, तो पहले वो सांझ का समय था, उसके बाद वाला अवस्था वो भोर का समय था। समझ में आया? तो परमेश्वर ने ये सांझ और भोर का महत्व रखा है। ओके, सांझ आपको एनर्जी नहीं देता है, भोर आपको एनर्जी देता है, एक्टिवेट कर देता है, आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करता है। इसके लिए हम लोगों को बहुत बार देखने को मिलता है जो जादू टोना ये सब करते हैं वो उस समय ये सब करते हैं जो अंधेरे का समय रहता है। ओके, जो अंधेरे का समय रहता है जहाँ पर प्लानिंग्स किए जाते हैं। ओके, हर एक जादू टोना अंधेरे के समय में नहीं किया जाता है। अंधेरा मतलब जो आपने देखा उत्पत्ति के 2 अध्याय के पहले अध्याय के 2 वचन में, एक ऐसा अंधेरा है जिसके बारे में कोई उजियाला उसके अंदर जाता नहीं है, वो शैतान को दिया गया जगह है, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। ओके, वो दुष्ट आत्माओं का घर कहा जाता है। ओके, तो वहाँ से दुष्ट आत्माएं निकल कर आती है, उसको अंधेरा उजियाला कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन ये एक एरिया ऑफ लाइफ है कि जहाँ जादू टोना मोस्टली जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो अंधेरे के अंदर किए जाते हैं, क्योंकि अंधेरे के अंदर जब ये स्पिरिचुअल एनर्जीज, भले काम करने की एनर्जीज डाउन रहती है, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान भला काम करना उस समय उचित नहीं मानता है, क्योंकि उसके पास उत्साह नहीं रहता है भले काम करने का। तो डेफिनेट है दूसरे एनर्जीज वहाँ पर काम करने के लिए फ्रीडम को लेते हैं। आया समझ में? यानी दुष्टता करने वाले एनर्जीज वहाँ पर, स्पिरिट्स वहाँ पर आकर काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले भले काम करने वाले स्पिरिट्स अब काम नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह में वो खाली नहीं रहता है, उस जगह में दुष्टता करने वाले स्पिरिट्स एक्टिवेट कर लेते हैं, दुष्टता करने वाले स्पिरिट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और वहाँ पर उनको बुलाने के बाद में आपको डर लगने लगता है। आप बोलते हैं पता नहीं नींद के अंदर मुझे दबाव पड़ रहा था, मुझे ऐसा हो रहा था, वो हो रहा था, ये हो रहा था, रात के समय मुझे नींद नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हर समय मैं रात के वक्त ऐसे हो जाता हूँ, वैसे हो जाता हूँ। ये सारी कथा कहानियाँ नहीं है, ये सच्चाई है। ओके, क्योंकि वो स्पिरिट भले काम करने वालों के स्पिरिट्स डाउन रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो जीव जंतु है, जो बीस्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट है, ओके, वो बीस्ट जंगली जानवर, जंगली जंतु जो भी है, वो रात के समय निकलते हैं, बसेरा उनका रात के समय शुरू हो जाता है, और हम मनुष्य जाति जो है वो दिन के समय काम करते हैं। हालेलुया। तो रात का समय वो एक्टिविटीज रहती है, रात के समय भी काम कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल रियाम्स में स्पिरिट्स आ रहे होते हैं, लेकिन हम भले काम करने के लिए चुने गए लोग हैं, मनुष्य जाति भले काम के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया है। ओके, इसके लिए रात का एरिया, रात का समय हम रेस्ट करते हैं, ताकि भले काम करने के एनर्जीज जब आएगी तब हम उठकर वो काम करना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से भले काम करने के लिए उस समय को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो समय किस लिए यूज किया जाता है? वो समय प्लान्स करने के लिए, प्लॉट्स करने के लिए। आप प्रेयर में समय बिता सकते हैं, आप परमेश्वर से अपने लिए मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे कल के लिए ये ऐसे ऐसे चीज़ें चाहिए, ऐसे ऐसे बात चाहिए, ऐसे ऐसे समय चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है, इस प्रकार से जाना है, मेरी ये चिंताएं हैं, मुझे ये स्ट्रगल्स हो रहा है, ये संघर्ष हो रहा है। आप परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं रात के समय में। ओके, क्योंकि उस समय आप काम नहीं कर सकते हैं, उस समय आप सिर्फ परमेश्वर से बात कर सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं एनर्जी लेवल की वजह से। ओके, लेकिन उस समय में जो दुष्ट आत्मा का सेवा करने वाले लोग रहते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को अपने पास बुला लेते हैं, वो समय के वक्त में दुष्ट आत्माएं भेजे जाते हैं, जहाँ जहाँ उनको काम सौंपा गया है वहाँ पर उनको भेजा जाता है।
ओके तो इसके लिए रात का वक्त जो है मोस्टली लोग नाइट प्रेयर्स को करते हैं। ओके नाइट प्रेयर्स आप देखेंगे हमेशा दुष्ट आत्माओं के साथ फाइट करने वाली प्रेयर्स रहती है। डे टाइमिंग में आप देखोगे हर समय आपको अच्छी अच्छी प्रेयर्स मिलेगी, सैल्वेशन की प्रेयर मिलेगी, एक दूसरे को बचाने की प्रेयर मिलेगी, हीलिंग प्रेयर मिलेगी, ये प्रेयर मिलेगी, वो प्रेयर मिलेगी, ब्लेसिंग की प्रेयर मिलेगी, फाइनेंस बढ़ने की प्रेयर मिलेगी, प्रॉस्पैरिटी अबंडेंस होने की प्रेयर मिलेगी। रात का समय आपको कभी भी ये टाइप के प्रेयर्स करते हुए नहीं मिलेंगे। लोग रात के समय आप देखेंगे दुष्ट आत्माओं को भगाने की प्रेयर्स वो करते हैं। समझ में आया? तो दुष्ट आत्माओं को भगाने की प्रेयर्स एंड प्लान करने की प्रेयर्स ये रात के वक्त किया जाता है। समझ में आया? तो इसकी वजह से ये एरिया, ये रात का समय जो है हमको नींद लेने का समय निश्चित है, लेकिन परमेश्वर के संगति में रहने का भी ये एक समय रहता है। ओके क्योंकि इस समय में हमको कोई कामकाज करने जैसा एनर्जी नहीं रहता है। ठीक है, तो अब आपको सांझ क्या है और भोर क्या है मालूम पड़ गया। सांझ मतलब एक्यूमुलेट करते हैं हम, जमा करते हैं हम, और भोर मतलब उसका रिजल्ट्स देखते हैं हम। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सांझ और भोर का इस्तेमाल कैसे किया, आपने अभी वो वीडियो में देखा क्या कर रहा था वो। आप देखते हैं डे वन में जीरो से स्टार्ट किया उसने और ऊपर की तरफ चला गया, यानी जो अस्त व्यस्त अवस्था में था वो उसने स्थिर अवस्था में बनाया। ओके एक रचनात्मक अवस्था में बनाया। वहां पे उसने बोला अब यहां पर सांझ हुई, यानी अब काम रुक गया, ये उसका कहना था। अब काम रुक गया, अब प्लान किया जा रहा है कि अगला क्या बनाना है। ओके फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट बोकेर आ गया। हालेलुया। वो आगे जाकर दोबारा उसने क्या किया, स्टॉप लिया, सांझ हुई, यानी प्लान किया, फिर बोकेर की तरफ बढ़ा, फिर प्लान किया एरेव में और फिर बोकेर की तरफ बढ़ा, फिर एरेव में प्लान किया, बोकेर की तरफ मैनिफेस्ट कर दिया। हालेलुया। लेकिन सातवें दिन में आपको वो कुछ भी देखने नहीं मिलता है, ना बोकेर ना एरेव देखने को मिलता है। ये वीडियो अभी आपने देखा, ठीक है। अब आपने देखा एंट्रोपी प्रोफाइल ऑफ द यूनिवर्स में आपने क्या देखा, जो अभी वीडियो था उसमें आप देख रहे कि जो पहला दिन था, पहला दिन जो अवस्थाएं थी, दिन और रात बनाया था, जो उजियाला को लाया था, उजियाले को काट के अंधेरे से अलग कर लिया गया था। ओके वो सारा एक बहुत ही दूसरा वचन जो अस्त व्यस्त था उसका बहुत बड़ा भाग उस पहले दिन में कर लिया गया था। वहां पे बोला गया था फिर सांझ, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस तरह से पहला दिन हो गया। ओके तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस तरह से पहला दिन हो गया, इसका मतलब इस प्रकार से एनर्जी का काम पहले कलेक्ट कर लिया गया और फिर बाद में उसको नए स्तर पर उठाया गया। ओके यानी भोर किया गया, फिर एक नए स्तर पर जीरो लेवल एनर्जी में से कलेक्शन किया गया, सांझ हुई और फिर नए लेवल में उसको उठाया गया। एक परमेश्वर का वचन आप देखते हैं कि पहला अध्याय जो था उसके 26 वचन में परमेश्वर ने क्या बोला, लेट अस मेक मैन। परमेश्वर ने
ऐसा बोला। तो पहले अध्याय के तीसरे वचन में भी आप क्या देखते हैं, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, ओके, और उजियाला हो गया। तो आपका यहाँ पे ध्यान देने का समय ऐसा है कि परमेश्वर पहले अरेंजमेंट्स करता है, उसको सांझ कहता है, और उस अरेंजमेंट को वो एक्टिवेशन करने के लिए खोल देता है, तो उसे वो भोर कहता है। अब समझ में आया? जब कलेक्शन कर रहा था तो परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, तो उसने पहले कलेक्शन कर लिया, और फिर जब वो कलेक्ट हो गया तो उसका भोर उसने देखा कि ये सारी चीज़ों का, फिर उसने उस एनर्जी का इस्तेमाल किया। हर दिन को पहला सांझ हुआ, फिर भोर हुआ। हर दिन को पहले प्लांट्स को उसने कलेक्ट किया, वो सांझ है, और उसको उसने एक्टिवेशन में डाल दिया, वो भोर है। हालेलुया। और उसने देखा ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, इस प्रकार से वो देखकर खुश होता था, और स्वर्ग दूत भी उसके उस क्रिएशन को, सृष्टि को देखकर जय जयकार करते थे। ओके, तो सांझ होना मतलब प्लान करके रेडी करना, और फिर उसको एक्टिवेशन करने के लिए जब शुरू हो जाता है तो उसको भोर कहा जाता है। ओके, क्योंकि बिना एनर्जी काम नहीं रहता है, विद एनर्जी काम रहता है। बिना ऊर्जा कुछ भी नहीं रहता है, मृत अवस्था रहता है, और ऊर्जा के साथ जीवित अवस्था रहता है। यानी अगर उजियाला हो कहा तो अभी वो मुर्दे अवस्थे में है ही नहीं, लेकिन जब वो प्रकट हो जाता है तो जीवित अवस्था में आ जाता है। ओके, चंगाई हो कहा तो अभी तो वो बीमार अवस्था में है, लेकिन अगर चंगाई हो बोलने तक वो अगर मृत अवस्था में है, और चंगाई हो गया तो वो अब जीवित अवस्था में आ गया। ओके, तो पहले वो सांझ का समय था, उसके बाद वाला अवस्था वो भोर का समय था। समझ में आया? तो परमेश्वर ने ये सांझ और भोर का महत्व रखा है। ओके, सांझ आपको एनर्जी नहीं देता है, भोर आपको एनर्जी देता है, एक्टिवेट कर देता है, आपका मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करता है। इसके लिए हम लोगों को बहुत बार देखने को मिलता है, जो जादू टोना ये सब करते हैं वो उस समय ये सब करते हैं जो अंधेरे का समय रहता है। ओके, जो अंधेरे का समय रहता है, जहाँ पर प्लानिंग्स किए जाते हैं। ओके, हर एक जादू टोना अंधेरे के समय में नहीं किया जाता है। अंधेरा मतलब जो आपने देखा उत्पत्ति के दो अध्याय के पहले अध्याय के दूसरे वचन में, एक ऐसा अंधेरा है जिसके बारे में कोई उजियाला उसके अंदर जाता नहीं है। वो शैतान को दिया गया जगह है, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। ओके, वो दुष्ट आत्माओं का घर कहा जाता है। ओके, तो वहाँ से दुष्ट आत्माएं निकल कर आती है, उसको अंधेरा उजियाला कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन ये एक एरिया ऑफ लाइफ है कि जहाँ जादू टोना मोस्टली जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो अंधेरे के अंदर किए जाते हैं, क्योंकि अंधेरे के अंदर जब ये स्पिरिचुअल एनर्जीज, भले काम करने की एनर्जीज डाउन रहती है, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान भला काम करना उस समय उचित नहीं मानता है, क्योंकि उसके पास उत्साह नहीं रहता है भले काम करने का। तो डेफिनेट है दूसरे एनर्जीज वहां पर काम करने के लिए फ्रीडम को लेते हैं। आया समझ में? यानी दुष्टता करने वाले एनर्जीज वहां पर, स्पिरिट्स वहां पर आकर काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाले भले काम करने वाले स्पिरिट्स अब काम नहीं कर रहे, तो उस जगह में वो खाली नहीं रहता है, उस जगह में दुष्टता करने वाले स्पिरिट्स एक्टिवेट कर लेते हैं, दुष्टता करने वाले स्पिरिट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और वहाँ पर उनको बुलाने के बाद में आपको डर लगने लगता है। आप बोलते हैं पता नहीं नींद के अंदर मुझे दबाव पड़ रहा था, मुझे ऐसा हो रहा था, वो हो रहा था, ये हो रहा था, रात के समय मुझे नींद नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, हर समय मैं रात के वक्त ऐसे हो जाता हूँ, वैसे हो जाता हूँ। ये सारी कथा कहानियाँ नहीं है, ये सच्चाई है। ओके, क्योंकि वो स्पिरिट भले काम करने वालों के स्पिरिट्स डाउन रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है जो जीव जंतु है, जो बीस्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट है,
ओके, वो बीस्ट, जंगली जानवर, जंगली जंगली जंतु जो भी है, वो रात के समय निकलते हैं। बसेरा उनका रात के समय शुरू हो जाता है और हम मनुष्य जाति जो है वो दिन के समय काम करते हैं। हालेलुया। तो रात का समय वो एक्टिविटीज रहती है, रात के समय भी काम कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअल रियाम्स में स्पिरिट्स आ रहे होते हैं, लेकिन हम भले काम करने के लिए चुने गए लोग हैं। मनुष्य जाति भले काम के साथ जीने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया है, ओके? इसके लिए रात का एरिया, रात का समय हम रेस्ट करते हैं ताकि भले काम करने के एनर्जीज जब आएगी तब हम उठकर वो काम करना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से भले काम करने के लिए उस समय को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो समय किस लिए यूज़ किया जाता है? वो समय प्लान्स करने के लिए, प्लॉट्स करने के लिए। आप प्रेयर में समय बिता सकते हैं, आप परमेश्वर से अपने लिए मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे कल के लिए ये ऐसे ऐसे चीज़ें चाहिए, ऐसे ऐसे बात चाहिए, ऐसे ऐसे समय चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है, इस प्रकार से जाना है, मेरी ये चिंताएँ हैं, मुझे ये स्ट्रगल्स हो रहा है, ये संघर्ष हो रहा है। आप परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं रात के समय में, ओके? क्योंकि उस समय आप काम नहीं कर सकते, उस समय आप सिर्फ परमेश्वर से बात कर सकते हैं, आप आराम कर सकते हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं एनर्जी लेवल की वजह से, ओके? लेकिन उस समय में जो दुष्ट आत्मा का सेवा करने वाले लोग रहते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को अपने पास बुला लेते हैं। वो समय के वक्त में दुष्ट आत्माएं भेजे जाते हैं, जहाँ जहाँ उनको काम सौंपा गया है वहाँ पर उनको भेजा जाता है, ओके? तो इसके लिए रात का वक्त जो है, मोस्टली लोग नाइट प्रेयर्स को करते हैं, ओके? नाइट प्रेयर्स आप देखेंगे हमेशा दुष्ट आत्माओं के साथ फाइट करने वाली प्रेयर्स रहती है। डे टाइमिंग में आप देखोगे हर समय आपको अच्छी अच्छी प्रेयर्स मिलेगी, सैल्वेशन की प्रेयर मिलेगी, एक दूसरे को बचाने की प्रेयर मिलेगी, हीलिंग प्रेयर मिलेगी, ये प्रेयर मिलेगी, वो प्रेयर मिलेगी, ब्लेसिंग की प्रेयर मिलेगी, फाइनेंस बढ़ने की प्रेयर मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस होने की प्रेयर मिलेगी। रात का समय आपको कभी भी ये टाइप के प्रेयर्स करते हुए नहीं मिलेंगे। लोग रात के समय आप देखेंगे दुष्ट आत्माओं को भगाने की प्रेयर्स वो करते हैं। समझ में आया? तो दुष्ट आत्माओं को भगाने की प्रेयर्स एंड प्लान करने की प्रेयर्स ये रात के वक्त किया जाता है। समझ में आया? तो इसकी वजह से ये एरिया, ये रात का समय जो है, हमको नींद लेने का समय निश्चित है, लेकिन परमेश्वर के संगति में रहने का भी ये एक समय रहता है, ओके? क्योंकि इस समय में हमको कोई कामकाज करने जैसा एनर्जी नहीं रहता है, ठीक है? तो अब आपको सांझ क्या है और भोर क्या है मालूम पड़ गया। सांझ मतलब एक्यूमुलेट करते हैं हम, जमा करते हैं हम, और भोर मतलब उसका रिजल्ट्स देखते हैं हम। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सांझ और भोर का इस्तेमाल कैसे किया, आपने अभी वो वीडियो में देखा क्या कर रहा था वो। आप देखते हैं डे वन में जीरो से स्टार्ट किया उसने और ऊपर की तरफ चला गया, यानी जो अस्त व्यस्त अवस्था में था वो उसने स्थिर अवस्था में बनाया, ओके? एक रचनात्मक अवस्था में बनाया। वहां पे उसने बोला अब यहां पर सांझ हुई, यानी अब काम रुक गया, ये उसका कहना था। अब काम रुक गया, अब प्लान किया जा रहा है कि अगला क्या बनाना है, ओके? फिर उसने क्या किया, नेक्स्ट बोकेर आ गया। हालेलुया। वो आगे जाकर दोबारा उसने क्या किया, स्टॉप लिया, सांझ हुई, यानी प्लान किया, फिर बोकेर की तरफ बढ़ा, फिर प्लान किया एरेव में और फिर बोकेर की तरफ बढ़ा, फिर एरेव में प्लान किया, बोकेर की तरफ मैनिफेस्ट कर दिया। हालेलुया। लेकिन सातवें दिन में आपको वो कुछ भी देखने नहीं मिलता है, ना बोकेर ना एरेव देखने को मिलता है। ये वीडियो अभी आपने देखा, ठीक है?
निर्गमन की पुस्तक उसके 20 अध्याय का 11 वचन। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय 11 वचन, इसमें लिखा है कि 6 दिन परमेश्वर ने सृष्टि किया और 7वें दिन को उसने विश्राम किया। इसके लिए हम उत्पत्ति के 6 दिन मानते हैं कि वो काम करने के दिन हैं, और परमेश्वर ने 7वें दिन को एरेव और बोकेर नहीं कहा, सांझ और भोर ऐसा नहीं कहा, सातवां दिन हुआ ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर काम करने के लिए कुछ था ही नहीं। ओके, तो इसका मतलब सातवां दिन नहीं है ऐसा नहीं है, सातवां दिन ब्लैंक रखा परमेश्वर ने, एनर्जी का ज़रूरत नहीं है। उसने बोला सारे कामकाज 6 दिन तक करते रहो, 7वें दिन को एनर्जी ड्रॉप रहने दो। ओके, सब एनर्जी ड्रॉप रहने दो, रेस्ट टाइम दो। ओके, इसके लिए हम 7वें दिन को विश्राम दिन मानते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार है वो। ठीक है, तो एरे वो बोकेर नहीं है, इसके लिए 7वां दिन बना नहीं, ऐसा नहीं है। 7वां दिन पवित्र बाइबल साबित करता है बनाया गया और उसके अंदर रेस्ट किया गया। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 11 वचन। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब को बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ओके, तो इस प्रकार से, और एक बार देखिए निर्गमन 20 अध्याय का 11 वचन। क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब को बनाया, और 7वें दिन, देखा 7वें दिन। ठीक है, तो हमने एरे बोकेर सांझ भोर 7वें दिन को नहीं मिल रहा है, इसके लिए परमेश्वर ने 7वां दिन नहीं बनाया ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेंशन किया गया है और 7वें दिन विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि 7वां दिन जायज है और बिल्कुल मानने वाला दिन है कि हमने 7वें दिन को परमेश्वर की ओर से विश्राम रखने का व्यवस्था पाया हुआ है। ओके, और यीशु मसीह बोलता है शब्बात का प्रभु मैं हूँ। ओके, शब्बात को बनाने वाला और शब्बात को रखने वाला, जो शब्बात का व्यवस्था दिया गया था, वो व्यवस्था का प्रभु मास्टर मैं हूँ। हालेलुया, तो इसके लिए उसने बोला शब्बात के दिन में क्या करना और क्या नहीं करना ये मेरे कंट्रोल में है। ओके, मैं ही उसका मालिक हूँ। तो विश्राम दिन में हमने क्या करना ये मालिक अब हक कौन रखता है, प्रभु यीशु मसीह रखता है। और उसने क्या बोला, अब सारे दिन तुम्हारे दिन का समय है, जब तक यीशु मसीह दोबारा लौट कर नहीं आता है तब तक सारे समय तुम्हारे दिन के समय है, दिन के काम करने का समय है। तो शब्बात रहे, संडे रहे, विश्राम दिन रहे, कोई भी दिन रहे, आपको क्या करना है, भले काम करते रहना है, भले काम करते हुए थकना नहीं है। ओके, दिन के काम मतलब धर्मी काम करते हुए थकना नहीं है, दुष्टता नहीं करना है, पाप नहीं करना है। पाप हमको कहाँ से मालूम पड़ता है, पाप हमको जब पवित्र बाइबल में व्यवस्था को पढ़ते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करोगे तो श्राप आएगा, ये करोगे तो परमेश्वर का क्रोध आएगा, उसको हम पाप बोलते हैं। ओके, पाप व्यवस्था की व्यवस्था में से जानकारी देता है क्या करना नहीं चाहिए। ओके, तो उसको हम पाप बोलते हैं। तो व्यवस्था अगर नहीं मालूम है तो जो अभी वो काम कर रहा होगा उसको नहीं पता है कि ये पाप है। ओके, तो पाप पवित्र वचन जिसने पढ़ा है उसको ही समझ में आएगा ये पाप है। हालेलुया, लेकिन जिसने पवित्र वचन नहीं पढ़ा है उसको नहीं मालूम है वो पाप है या नहीं है। ओके, तो व्यवस्था रखने वालों को पाप और पवित्रता का ध्यान रखना था, अभी पाप और पवित्रता का ध्यान नहीं है, अभी भलाई करते रहना है, भलाई करते रहना है। ओके, दया का समय है ये, अनुग्रह का समय है ये। ओके, हम दया के धनी माने जाते हैं, हम उस परमेश्वर के संतान हैं जिसके पास दया का धन है।
उसके पास दया का इतना ऐश्वर्य है, इतना धन है कि वो दया बांटते हुए नहीं थकेगा। इसके लिए परमेश्वर ने बोला, अब तुमको 7वां दिन विश्राम दिन मानने का व्यवस्था नहीं रखना है, क्योंकि वो व्यवस्था रखने वाला जो है वो तुम्हारे ही साथ अभी मिल के काम कर रहा है। वो 7 रहे, 6 रहे, 2 रहे, कोई भी दिन रहे, ऑल डेज तुम्हारे लिए एक समानता के है, भलाई करते नहीं थकना है। हालेलुया। तो ये मसीही जीवन है। तो इस मसीही जीवन के अंदर हम खुद होके हम दूसरों की हानि नहीं करने का निश्चय करना है, माय डियर फ्रेंड्स। हम खुद होके दूसरों की भलाई करने का निश्चय रखना है। हम खुद होके दूसरों का कोई भी चीज़ छीनने का नहीं, उसके आनंद को खराब नहीं करने का, उसको अशांत नहीं करने का, उसके जीवन को निराशा में बदल नहीं देने का। हमने खुद इसकी चिंता रखनी है, हमने खुद फैसला करना है, क्योंकि हमारे पास दिन का समय है, मतलब एनर्जी है, जो भले काम करने के लिए, उचित काम करने के लिए दिन का समय माना जाता है। तो उचित काम किया करो, जलन मत करो, एक दूसरे को ठोको मत, आजू बाजू में बैठ के हाथ के कोहनी से ठोको मत एक दूसरे को। और एक दूसरे के पास छोटे बच्चों का मुंह घुमाओ मत यहाँ वहां से, जब कोई दिन दोपहर समय रहता है। किसी के सामने आके आसपास बैठ के उसके ऊपर जादू टोना के मंत्र तंत्र श्राप मत डालो। आंखों से व्यभिचारिणी की आत्मा तो रहती है, जादू टोना के बैड पावर्स रिलीज करने वाले आंखें भी रहती है, उन आंखों से कुछ डालो मत। खुद फैसला करना है मसीही जीवन में, हमने ये खुद फैसला करना है, किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी को फॉलो करते हुए, ईवल पावर से फॉलो करते हुए, उसका पीछा करते हुए नहीं आना है। हालेलुया। उसके सोच में जगह बना के, उसके सोच में घुसने के रास्ते बना के, उसकी सोच के ऊपर छाए नहीं रहना है। एमेन। ये सारी चीज़ें क्या है पता है? रिचुअल्स के द्वारा किया जाता है। अगर ये रिचुअल्स करके ये काम आप करोगे, तो आप यीशु मसीह का नाम तो ले रहे हो, लेकिन आप अंधेरे के संतान माने जाओगे, क्योंकि दिन के राज्य में ये काम नहीं किए जाते हैं। हालेलुया। दिन के राज्य में, दिन के समय में, उजियाले के समय में, उजियाले का समय परमेश्वर का पवित्र काम करने का समय रहता है, धर्मी काम करने का समय रहता है, इंसानियत जिसे कहते हैं, इंसानियत के काम करने का समय रहता है। इंसानियत हमारा परमेश्वर पवित्र काम, धर्मी काम कहता है। इंसानियत में रहो, ये कहता है परमेश्वर का वचन। इंसानियत के काम करने का अभी तुम्हारा समय है, दिन का समय है, उजियाले का समय है। हालेलुया। तो प्लान पूर्वक दुष्टता करने का जो आत्मा है, वो सैटनिक रिचुअल करने के कारण आता है। ये बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर आप चप्पल को सीधा से उल्टा करके रखते हैं, उल्टा से दूसरे के दरवाजे की तरफ रखते हैं, दूसरे के दरवाजे से तीसरे के दरवाजे की तरफ फेसिंग करके रखते हैं। अरे ये दुष्टता सैतान का रिचुअल में से निकाला हुआ है, ये दिन के समय के काम नहीं है। इसके घर की तरफ उंगली उठा के चलने का, उसके घर की तरफ कमर ढलका के चलने का, उसके घर की तरफ कपड़ों को उछाल कर चलने का, नीचे खींच के चलने का, ये क्या है? सैटन का सिखाया हुआ, उसका स्पिरिट्स उसके अंदर से आता है। हालेलुया। तो तुम अगर ये काम करके यीशु मसीह के कलसिया में आकर बैठोगे, तो धोखा खा रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। तुम सैतान के संतान, अभी भी सैतान के संतान हो। हालेलुया। तो तुम मसीह नहीं हो। ये कारण से तुमको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर दया का धनी है वो। तुम परमेश्वर के घर में आके बैठे हो, तो वो तुमको उसके धन के अनुसार दया कर रहा है, लेकिन तुम अपने गुणों से
शैतान की सेवा कर रहे हो, शैतान के सेवा कर रहे हो। हालेलुया। कैमरे के सामने किसी का भी पेट को पकड़ना, पेट के ऊपर धक्का लगाना, पेट के ऊपर कैमरे मारना और उसका रूप पकड़ के उसको रिचुअल्स के लिए भेज देना, किसी बैड पर्सन के हाथों में फोटोज भेज देना, अगर ये काम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? तुमको लगेगा मैं मसीही हूँ। भाई तू मसीह है, बहन तू मसीह है, ये काम कहाँ से आ रहे हैं तेरे पास? क्योंकि तू सैतान की संतान है। हालेलुया। ओके, इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम अगर अब्राहम के संतान होते तो तुमने मुझे मेरे कामों के साथ स्वीकारा होता। हालेलुया। लेकिन तुम अब्राहम के संतान नहीं हो, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता शैतान है जो झूठ का पिता है। हालेलुया। समझ में आया? खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह इज़राइल के ऊपर टोक लगा के बात किया, समझा? टोक लगा के यानी सीधा सामने मुंह तोड़ जवाब देकर बोला, खुदा का तू बेटा अगर होता तो तूने मेरा छल नहीं किया होता, तूने मेरा पीछा नहीं किया होता, तूने मेरे दिमाग तक घुसने की कोशिश नहीं की होती, तूने मुझे तेरे मुखवटे मुखवटे बताने की कोशिश नहीं की होती, तूने तेरे सारे सेनाओं को मेरे इर्द गिर्द भेजा नहीं होता, तो ये क्या बताता है? तू खुदा का बेटा नहीं है। ओके, तू पानी का बपतिस्मा जरूर लिया होगा, ओके, पवित्र आत्मा से उछल कूद भी करता होगा, लेकिन गुणों के साथ तो बताता है कि तू शैतान का पुजारी है। समझ में आया? अब मुझे ये मत बोलो कि शैतान का पुजारी बोलती है हमको। हाँ, हमने तो प्रभु प्रभु किया है, हमने तो यीशु मसीह को माना है, हम तो प्रभु भोज भी लेते हैं, सब कुछ करते होंगे, लेकिन पुजारी तुम शैतान के हो, क्योंकि उसके भक्ति के काम जो होते हैं वही तुम लोगों को सताने में इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया। समझ में आया? तो अगर मसीही है तो दिन के कामों में लग जाओ, समझिए मेरी बात को, दिन के कामों में लग जाओ, डे वर्क में लग जाओ। डे वर्क एनर्जी देता है भले काम करने का, उत्तम काम करने का, उत्कृष्ट काम करने का, भले भले बातों को करने का, लोगों के जीवन संवारने का, लोगों को ऊंचा उठाने का, परमेश्वर की दया का धनी बन के चलने का। डे टाइम के काम करने का समय है। यीशु मसीह के आगमन तक कलसिया को गंदा मत करो, गंदा मत करो। ओके, हजार लोगों के बीच में बैठकर तुमको लगता है कि तुम जो कर रहे हो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, अगर तुम्हारी गलती दूसरे लोग पकड़ भी रहे और तुमको बोल नहीं रहे हैं, डांट नहीं रहे हैं, तो फिर इसका मतलब वो भी तुम्हारे गलत कामों में शामिल हैं। हालेलुया। तो इसके लिए खुद जिम्मेदारी उठाते हैं हम पाप नहीं करने का। व्यवस्था में से हमको मालूम पड़ता है पाप क्या है, बस हम वो देखते हैं कि ऐसे ऐसी बातें नहीं करना है। ओके, व्यवस्था के अनुसार तो अलग बात है, हम तो व्यवस्था नहीं पालन कर रहे, इसराइल लोग करते थे, इसके लिए पाप का और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ओके, लेकिन भले काम हम कर सकते हैं और दुष्टता हम नहीं करेंगे, समझा? ये हम बोल सकते, हम भले काम करेंगे, हम दुष्टता नहीं करेंगे, पाप का संबंध तो हमारा है नहीं। ओके, व्यवस्था जो रखता है, इसराइल रखता था, उसको पाप और व्यवस्था के साथ उसको छुटकारा चाहिए, लेकिन मुझे नया सृष्टि होने के कारण दुष्टता नहीं करना, ये मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, इंसानियत में जीना है, दुष्टता नहीं करना है। आज हम सब नए मसीही बनकर अगर कलसिया में इकट्ठा होते हैं ना, तो फिर हमको दुष्टता नहीं करना है, भले काम करना है, इंसानियत करना है, दुष्टता नहीं करना है। हालेलुया। चाहे कोई कैसा भी कुछ भी करता होगा, कैसा भी रहता होगा, उसके अंदर के गुण, उसके अंदर का पुजारी कौन है वो बताएगा, शैतान है या प्रभु यीशु मसीह है, समझा? अगर उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है वो इंसानियत बरकरार रखेगा, अगर उसके अंदर दुष्ट शक्तियां हैं यानी शैतान का पुजारी है वो, तो दुष्टता करता हुआ तुमको मिलेगा वो।
समझ में आया? तो इसकी वजह से मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कलश्या के अंदर बैठते हो तो आप ये मत सोचो कि दुष्टता करने वाले लोग भी प्रभु यीशु मसीह के हैं। नहीं, अगर वो आपके ब्लेसिंग्स को चोरी कर सकते हैं, आपके शांति को भंग कर सकते हैं, आपके आनंद को चुरा सकते हैं, आपको छोटे बच्चों का चेहरा आपके सामने घुमा घुमा कर आपको कुछ कुछ तो कहीं ना कहीं तो फंसा सकते हैं, आपके इर्द गिर्द में घूम घाम कर कुछ आपको फांसा लगा सकते हैं, तो फिर ये मसीही लोग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। धोखा मत खाओ, ओके? ये मसीही नहीं है। चाहे वो आपके कलसिया में बैठे होंगे, वो मसीही नहीं है। वो रिचुअल्स करने वाले लोग हैं और वो शैतान के संतान हैं। उतने ही सीधा जवाब मैं दे रही हूँ जितना सीधा जवाब प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम के संतान नहीं होने के बारे में इसराइलियों को बोला था। सीधा जवाब है, ओके? इसके लिए इसराइलियों ने खुन्नस खाया था यीशु मसीह के ऊपर, उसको सीधा क्रूस के ऊपर टांग दिया था, मार डाला था। ओके, तो हमारे साथ भी सीधा बोलने के बाद हमारे साथ क्या करेंगे, हम नहीं बोल सकते। लेकिन हमको इतना पता है भाई, तो शैतान का संतान है, सीधी मुंह बात है ये, क्योंकि परमेश्वर के संतान ऐसे नहीं करते हैं। ओके, चाहे तू लंबे फास्टिंग मार के आया होगा, ठीक है, हो सकता है तो बहुत बड़ा नाम कमा के आया होगा, लेकिन जब दुष्टता करता है ना, तो फिर तू शैतान का संतान है। दुष्टता परमेश्वर की ओर से नहीं है, समझ में आया? तो इसके लिए ये सारी चीज़ों में धोखा मत खाओ, दूध का दूध और पानी का पानी, ओके? डिफरेंस में रहो, जो मसीही है इंसानियत के साथ मिलेगा आपको, ओके? इवन गैर विश्वासी जो रहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, अगर वो इंसानियत के काम करता हुआ दिखाई देगा, तो प्रभु यीशु मसीह का उसके ऊपर भी एक फेवर है। कुर्नेलियोस जो था, वो इंसानियत के तरीके से यहूदियों के मानता था, यहूदियों के चाल चलन को मानता था, ओके? तो इस तरह से अगर कोई गैर विश्वासी भी हमारे कलसिया में आ जाता है, उसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, लेकिन दुष्टता नहीं कर रहा है वो, और इंसानियत को बरकरार रख रहा है, तो निश्चित है कुर्नेलियोस की तरह उसको परमेश्वर याद करेगा, उसके भले कामों की वजह से वो याद करेगा, समझ में आया? लेकिन जो आकर दुष्टता कर रहे हैं, तो परमेश्वर सीधा मुंह तोड़ बात कर रहा है कि वो अब्राहम के संतान नहीं है, वो शैतान के संतान है, शैतान के पुजारी है। हालेलुया। तो आपको क्या करना पड़ता है? फिर आपको ठोकना पड़ता है परमेश्वर के सामने, उनको ठोकना पड़ता है। कैसे ठोकोगे? क्योंकि उनके पास जो आत्माएं हैं, वो गंदी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। तो डेफिनेट है आपको रात के वक्त में प्रेयर में उनके साथ फाइट करना है, और उनके आत्माओं को आपके लाइफ के बाहर निकाल देना है, ओके? वॉरफेयर, स्पिरिचुअल प्रेयर्स जब होती है, तब ऐसे लोगों की आत्माओं को आपके ऊपर से हटा देना है, ओके? तो ये काम करना हमारा जिम्मेदारी बनता है। अगर हम इंसानियत से चल रहे, हमने हटना नहीं है इंसानियत से, हमें इंसानियत में बने रहना है, क्योंकि ये दिन का समय है। भले काम करने से हमको थकना नहीं है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सिर्फ धोखा नहीं खाना है कि कोई अपने आप को मसीही कहता है और दुष्टता के साथ चलता है, तो हमको धोखा नहीं खाना है। वो शैतान का पुजारी है, वो शैतान का पुजारी है। दुष्टता करने वाला शैतान का पुजारी है, रिचुअल्स करने वाला है। आपको सामने रिचुअल करता हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन अंधेरे काम उसके हो रहे हैं। आप धोखा मत खाओ, वो विश्वासी नहीं है। हालेलुया, वो विश्वासी नहीं है। लेकिन गैर विश्वासी कोई भी आता है आपके कलसिया के अंदर और इंसानियत के बर्ताव में काम कर रहा है, इंसानियत के साथ रह रहा है, किसी को हानि नहीं कर रहा है, किसी को बैड स्पिरिट से कोई भी जगह में अफ्लिक्ट नहीं कर रहा है, सता नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाता है? फिर परमेश्वर उसके ऊपर रहम करेगा। हालेलुया, वो उसको ऊंचा करेगा, वो उसको बढ़ाएगा, क्योंकि इंसानियत परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। तो कितना प्यारा है हमारा मसीही जीवन। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ मसीही जीवन, और हमने एरेव और बोकेर की वजह से ये लाइफ इज स्पिरिचुअल ये बात को भी हमने अभ्यास कर लिया। अब इसके बाद आपको कभी भी कोई मसीही आपके साथ दुराचार करता है, कोई मसीही आपके साथ कोई भी प्रकार का अस्त व्यस्त कर देने वाला काम करता है, ओके, चप्पल को इधर से उधर रखने वाला, आगे से सीधा उधर से उल्टा,
यहाँ से लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, ओके, खेलने वाला, ओके, हाथ करके, उंगली करके, हम अपने घर के सामने कहीं पर भी कुछ करते दिखाई देता है, विच क्राफ्ट है वो, विच क्राफ्ट है। और ये सारे नॉलेज आपको परमेश्वर नहीं देता है, ओके, नहीं, आई एम सॉरी, ये नहीं होता है ऐसा, परमेश्वर के साथ ये नहीं बनता है, बैठता ही नहीं है। मेरा खुदा, मेरा यीशु रात के वक्त मेरे खुदा के साथ संबंध में रखता था, वो परमेश्वर के साथ बातें करता था, परमेश्वर को पूछता था कैसे करना है, क्या करना है, किधर क्या है, कौन से स्पिरिट्स को भेजना है, कौन से प्लानिंग करना है, किस प्रकार से करना है। और देखिए, सुबह के वक्त वो भलाई करता हुआ मिलता था, हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करना है, मांगना है, बोलना है हमको क्या परमेश्वर तू देना चाहता है, और सुबह उठकर भलाई करते हुए दिन बिताना है, हालेलुया। कोई कमी घटी को नहीं रोना है, कोई प्रकार के, किसी भी प्रकार के शैतान के आक्रमण को नहीं थकना है, किसी भी प्रकार का बैड न्यूज को नहीं थकना है, कोई एरिया ऑफ लाइफ में व्याकुल नहीं होना है, बेजार नहीं होना है, बरबस नहीं होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दिन का परमेश्वर है। उस दिन के समय के अंदर कोई भी कुछ भी करता है तो हम समझ जाना है ये शैतान का चेला है, इसका काम है वो करना, ओके, हमको उसके सारे सामर्थ्य से छुटकारा पाते हुए आगे जाना है। हम उनको रोक नहीं पाएंगे, उनकी मर्जी है, लेकिन परमेश्वर उनसे हेट करता है, उनको हेट करता है, परमेश्वर नफरत करता है। पाप से अलग होने के लिए चेतावनियां दे चुका है, पाप से अलग होने के लिए उसने प्यार से बोले हैं, प्यार से शब्द बोले हैं, प्यार से सारी समाचार, शुभ समाचार दिए, सब कुछ किया है, और लोग फिर भी टेढ़ी टेढ़ी तो टेढ़ी पूंछ रखना चाहते हैं। परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहे तो उनको पूरी तरह से वो प्रभु में ला सकता है, अगर परमेश्वर नहीं चाहे तो वो प्रभु में नहीं ला सकता है, आमेन। तो हमारे पास जो है वो यही है कि परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते रहना है। एरेव और बोकेर समझ गए हैं, एनर्जी के बारे में बातें किया है हमने, तो बैड एनर्जीज को निकालते रहिए। पॉजिटिव एनर्जी पवित्र वचन बोलने से आता है, नेगेटिव एनर्जी शैतान के रिचुअल करने वाले लोग आपके पास भेजते हैं, ओके, तो नेगेटिव एनर्जी के साथ फाइट करना है तो पवित्र वचन पढ़ने में आप समय बिताइए, वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, क्योंकि एनर्जी डे टाइमिंग में निकल जाती है, नाइट टाइमिंग में ज़्यादा बढ़ती है, तो वो मतलब वो बैड एनर्जीज, ओके। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पवित्र वचन डे हो या नाइट हो, हर समय में आपको कामयाब रखेगा, ओके। प्रार्थना, उपवास, गीत गाना, आराधना करना, ये सारे भले काम करना, दया के धन इकट्ठे करना, दया के धन बांटना, ये सारे चीज़ें आपको हमेशा एनर्जी लेवल में अप रखेंगे, अप रखेंगे, अप रखेंगे। लेकिन नेगेटिव एनर्जी शैतान के चेले भेजते रहते हैं, उसके साथ हमको उस एनर्जी को डाउन, उस एनर्जी को हटाने का तरीका एक ही है, हमारा परमेश्वर के संगति के काम बढ़ाते जाना है, ओके। जब परमेश्वर के संगति के काम बढ़ते जाएंगे, हमारी धार्मिकता के काम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के पॉजिटिव एनर्जी के स्पिरिट्स अट्रैक्ट होंगे हमारे साथ, परमेश्वर के स्पिरिट्स हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, नेगेटिव का असर हमारे ऊपर नहीं रहेगा, समझ में आया। और कुछ चीज़ है जो आपके काम बन नहीं रहे हैं, कोई पेपर वर्क आपका अटका हुआ है, कोई चीज़ आपके प्रमोट नहीं हो रही है, कोई आपके जगह में पास नहीं हो रहा है, कोई एग्जाम्स नहीं पास हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको सैटनिक स्पिरिट्स को निकालने का वॉरफेयर प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि शैतान के स्पिरिट्स वॉयलेंस के साथ निकालना पड़ता है, उसको रफ एंड टफ निकालना पड़ता है, उसके साथ सौम्यता काम नहीं करता है, समझ में आया। तो वॉरफेयर प्रेयर्स को आप वहाँ इस्तेमाल करो जहाँ पर आपके रास्ते खुल नहीं रहे, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज को निकालने के लिए आपके परमेश्वर के धार्मिकता के सारे गुणों के साथ जियो, आपके नेगेटिव स्पिरिट्स खत्म हो जाएंगे, ओके। तो अब आप बहुत आसानी से मसीही जीवन को समझ पाए होंगे कि जो शैतान का रिचुअल्स करता है वो दुष्ट मन से रहता है, और फिर यीशु मसीह के सामने आकर बैठता है तो हम उसको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन उसके व्यवहार बता देते हैं कि वो शैतान का पुजारी है।
ओके, जैसा यीशु मसीह ने अब्राहम के संतान के बारे में डायरेक्टली बोला, तू अब्राहम का संतान नहीं है, अगर होते तो तुमने मेरे कामों के साथ एग्री हो गए होते। हालेलुया, तुम मेरे उजियाले के कामों को आनंद से स्वीकार दे, आमीन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये जगह में आपको शैतान के संतान को, जो बीज घास रहते हैं, जंगली बीज रहते हैं, वो भी है कलसिया के अंदर, और परमेश्वर के अच्छे बीज भी हैं। ओके, तो अच्छे बीज को मांगिए परमेश्वर से, परमेश्वर अच्छे बीज आपके संगति में रहे, और आपके इर्द गिर्द में जंगली बीज लग जाए तो आपको उखाड़ देना और अपने आप को सेफ करना, साफ करना, और शुद्ध मन, पवित्र मन से आगे बढ़ते जाना आपको सीखना है। ओके, और बने रहना है परमेश्वर के धर्म के कामों में, बने रहना है धार्मिकता के सारे गुणों में, बने रहना है, भलाई करके नहीं थकना है। यही मसीही जीवन है, सच्चा मसीही जीवन है। ठीक है, हम अगला रिकॉर्डिंग देखेंगे। एरेव और बोकेर के बारे में अब खत्म हो चुका है, अब इसके बाद वाला और उत्पत्ति के अगले वचन के बारे में हम देखेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी सहायता की, ये सारे चीज़ों को सीखने के लिए, सांझ क्या है, भोर क्या है ये बताया आपने, उजियाले के काम हमको करना है ये आपने बताया, दिन के काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है, शब्बात अब हमारे लिए नहीं है, खुदा परमेश्वर हमें सिखाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। एनर्जी को परमेश्वर पिता रिस्टोर करने का और प्लान करने का, और अचानक से परमेश्वर कुछ विपत्ति या कोई भी आए, कोई चीज़ों में बदलाव चाहते हैं, सब कुछ हमने परमेश्वर के संगति में बांटना, बोलना और हमारे सारे बातों में उसकी सहायता को लेना, ये परमेश्वर तूने आज ये वचनों से हमको सिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और निश्चित है खुदा, जब ये रिकॉर्डिंग हम सुनते हैं और इसके बारे में हम सोचते हैं, तब परमेश्वर एक अद्भुत तरह से नया मसीही अनुग्रह हमारे ऊपर उतर कर आएगा खुदा परमेश्वर, और हमारे अटके हुए हर एक जीवन के भाग आप छुड़ा लोगे और हमें आगे लेकर जाओगे, और उत्कृष्ट बुद्धि के साथ, समझ के साथ, उत्कृष्टता के साथ परमेश्वर आप हमें आपके राज्य के अंदर काम करते हुए पाओगे। हम विश्वास के साथ आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हमारी समझ खोलने के लिए, धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए, धन्यवाद हमें दिन के काम करने के लिए बुलाने के लिए, धन्यवाद हमें आपके संतान बनाने के लिए, धन्यवाद आपके वचन सिखाने के लिए, धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थनाओं को नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर देता। आमीन, आमीन, आमीन।